नीट 2024 का काउंसलिंग स्टार्ट है और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रहा है वो आ रहा है फ्री एग्जिट का। बच्चे परेशान है कि फ्री एग्जिट कैसे करना चाहिए, हमारी सिक्योरिटी मनी वापस होगी कि नहीं होगी, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं उस रूल को फॉलो करें और हमारा जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस आ जाए और हम आसानी से क्या बोलते हैं काउंसलिंग से बाहर भी जा सके। तो बच्चों आज की वीडियो में देखेंगे कि फ्री एग्जिट क्या होता है पहला, दूसरा देखेंगे फ्री एग्जिट क्यों करना है आपको और उसमें क्या क्या रूल्स है, तीसरा हम देखेंगे कि कैसे करना है पूरी प्रोसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तर क्या, कैसे और क्यों का। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन चुके होंगे कि नीट का काउंसलिंग चल रहा है और बच्चों का सबसे ज्यादा समस्या आ रहा है फ्री एग्जिट को लेके, कि फ्री एग्जिट क्या होता है, फ्री एग्जिट क्यों हो किया जाता है और फ्री एग्जिट कैसे होगा, यानी कि उसकी प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्री एग्जिट क्या होता है। स्टूडेंट आप काउंसलिंग के दौरान दो प्रकार का फीस जमा किए होंगे, एक तो आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा किए होंगे, दूसरा आप सिक्योरिटी मनी जमा किए होंगे। तो अगर आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो, यानी कि आप काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है ना, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो इसमें और आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो वापस आ जाए, बात यहां पे सिक्योरिटी मनी की हो रहा है क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस तो कभी भी वापस नहीं होगा, आप चाहते हो कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए, तो ये जो है वो आपका फ्री एग्जिट कहलाता है। फ्री मतलब समझ रहे हो, फ्री और एग्जिट मतलब बाहर निकलना, यानी कि आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन फ्री में बिना पैसा गंवाए रजिस्ट्रेशन को छोड़ के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो आपका कहलाता है फ्री एग्जिट। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि आप चाहे जब क्या बोलते हैं बाहर निकलोगे और आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं, बहुत सारे रूल है बेटा इसमें। तो क्या रूल है, क्या नियम है और क्यों आप बाहर निकलना चाहते हो, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो पैसा वापस किस कंडीशन में आएगा और किस कंडीशन में नहीं आएगा, इसके लिए चलो एक एक करके बात समझते हैं। तो मान लो बेटा कोई ऐसा लड़का है जिसको पहले राउंड से ही बाहर निकलना है, कोई भी कारण हो सकता है वो चाह रहा हो कि मैं एक साल की और तैयारी करूंगा, अगले साल नीट का परीक्षा दूंगा, या हो सकता है वो कोई और चीज करने के लिए सोच लिया हो, सोचा हो कि मेरा नीट से मन हट गया, चलो मैं बीएससी कर लेता हूं नॉर्मल, या कुछ भी ऐसा कोई भी कोर्स कर लेता हूं, ठीक है ना, एलएलबी कर लेता हूं, ऐसा कुछ कर लेता हूं, कि वो नीट से हटके मतलब कोई और फील्ड में जाना चाहता है, या उसका तबीयत खराब हो गया फिर भी वो सोच रहा कि अब मैं काउंसलिंग नहीं करवाने जाऊंगा और इस साल नहीं मैं अगले साल क्या बोलते एग्जाम दूंगा, कोई भी रीजन हो गया, अगर वो पहले राउंड में ही बाहर जाना चाहता है, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, यानी सेकंड राउंड में भागीदारी लेना नहीं चाहता है, ठीक है ना, तो उसकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। 2-3 महीने लगेंगे लेकिन सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी कि वो फ्री एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर वो पहले राउंड में बाहर नहीं गया, मान लीजिए वो अपना बाहर जाने का प्लान सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड में बनाया, तो सिक्योरिटी मनी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इसकी एक एक नियम मैं बता रहा हूं आपको, सेकंड राउंड की बात मैं बताऊं आपको। आप जानते हो कि काउंसलिंग दो प्रकार का होता है, एमसीसी और आयुष, और एमसीसी में भी दो होगा आपका, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और आपका स्टेट काउंसलिंग, इसी प्रकार से आयुष में भी दो होगा आपका, क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग यानी कि AIQ काउंसलिंग और दूसरा स्टेट काउंसलिंग, ठीक है ना। तो अगर आप एमसीसी की पहले बात करते हैं, यानी सेकंड राउंड में एमसीसी की बात हो रहा है, फर्स्ट राउंड की तो बात हो गया कि फर्स्ट राउंड में आप किसी कारण बाहर जाना चाहते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी कुछ देर में वापस आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सेकंड राउंड की बात अगर हम करें तो सेकंड राउंड में मान लीजिए आप बाहर जाना चाहते हो तो एमसीसी क्या करेगा, आपका चाहे कोई भी काउंसलिंग करा रहे हो एमसीसी का, या आप AIQ करा रहे हो या स्टेट करा रहे हो, तो एमसीसी आपका सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं देगा, इतना आप जान लीजिए। आप बाहर जा सकते हो कोई बात नहीं, उसके तरफ से पूरा फ्री आप जाइए भैया कोई बात नहीं, लेकिन पैसा वापस नहीं देगा आपका, और आपको पैसा ही वापस चाहिए था। आयुष इससे भी खतरनाक है, वो उसने एक रूल और भी बना दिया, सेकंड राउंड में अगर आप आयुष से बाहर जाना चाहते हो तो आयुष आपका पैसा तो वापस नहीं देगा, यानी कि एमसीसी के बराबर ही है, लेकिन उसने एक और भी रूल ऐड कर दिया कि आप आयुष में जो काउंसलिंग करा रहे होगे, मैंने बोला ना कि AIQ भी होता है और स्टेट भी होता है, तो मान लो अगर आप AIQ काउंसलिंग करा रहे हो तो AIQ के फिर किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, यानी कि तीसरे में भी नहीं कर सकते हो, चौथे में भी नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से वो AIQ से वो बाहर कर दिया। अगर मान लीजिए इसी जगह पर अगर दूसरी वाली बात कर लें कि आयुष का आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे थे और सेकंड राउंड में बाहर जाना चाहते हो, तो आपका स्टेट काउंसलिंग आप फिर नहीं करा सकते हो,
बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दूसरे राउंड की बात है। आइए बात करते हैं तीसरे राउंड की। अगर आप तीसरे राउंड में बाहर जाना चाहते हो तो पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि पैसा जो है ना वो आपका फर्स्ट राउंड में वापस आ सकता है, उसके बाद तो पैसा वापस आएगा ही नहीं। तो थर्ड राउंड में भी गारंटी है कि एमसीसी की बात करें तो पैसा तो वो देगा नहीं, सिक्योरिटी मनी काटेगा ही काटेगा। लेकिन अगर बात करें तो उसने एक और रूल अब लगा दिया कि अगर आप थर्ड राउंड में ऐसा कर रहे हो यानी कि आप बाहर जाना चाहते हो तो आप फिर एमसीसी की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो चाहे वो एआईक्यू काउंसलिंग हो, आप भाग नहीं ले पाओगे। अब बात करें यहीं आयुष के थर्ड का, तो आयुष का थर्ड फिर अपने अंदर क्या अपने पास एक क्या बोलते और रूल ऐड कर दिया। क्या कर दिया कि पैसा तो नहीं देगा, दूसरा आप जो आप काउंसलिंग करा रहे थे, आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे थे या आप क्या बोलते एआईक्यू काउंसलिंग करा रहे थे, उससे तो आपको बाहर कर ही देगा, पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हो, यानी तीसरे में भी नहीं कर सकते हो, चौथे में भी नहीं कर सकते हो, फिर अगर आपका मन बैठ गया तो आप नहीं करा पाओगे किसी भी कीमत पे। हो सकता है आप इच्छा बनाए कि मुझे फ्री एग्जिट करना है, उसके बाद फिर आप चौथे में सोचो कि मैं कर लूँ, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन उसने एक और भी रूल बना दिया कि मान लो आप आयुष वाले में कोई सीट पहले से पाए हो, यानी सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हो गया था, कोई कॉलेज आपको मिल गया था किसी कोर्स के लिए, और फिर चाहो कि वो कॉलेज जाके ले लें वो कोर्स के साथ, जैसे मान लीजिए आप बीडीएस के लिए कोई कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल गया था, तो वो आपका जो सीट मिला था वो भी आपको नहीं देगा, वो भी क्या बोलते सीट हटा देगा, यानी कि जो आपने सेकंड राउंड में पाया था। तो उसने एक रूल और भी ऐड कर दिया, यानी कि पैसा नहीं देगा, दूसरी बात है काउंसलिंग से भी हटा देगा, और जो सीट पहले मिला है ना वो भी खत्म कर देगा आपका। बात समझ में आइए बात करते हैं चौथा राउंड। ये तो बड़ा खतरनाक राउंड है भैया। अगर चौथे राउंड की बात करें और एमसीसी की बात करें, क्योंकि मैं एक बार एमसीसी की बात कर रहा हूं और एक बार आप देखोगे मैं आयुष की बात कर रहा हूं, तो अगर आप एमसीसी में आप चौथे राउंड में आप क्या बोलते बाहर निकलना चाहते हो, आप काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हो, यानी कि आप सीट नहीं लेना चाहते हो, तो वो क्या करेगा, आपका पैसा तो काटेगा काटेगा, लेकिन एमसीसी की इस साल नहीं जो अगले साल है, जैसे 2024 का मान लीजिए आप काउंसलिंग करा रहे हो, तो 2025 में भी आप पूरे नीट में काउंसलिंग नहीं करा सकते। अब सोचो ये कितनी दिक्कत की बात है, इसलिए आपको ध्यान देना है। पता चले आप चौथे राउंड में एमसीसी से निकल रहे हो और नीट का सपना सजो रहे हो 2025 में, सब कुछ तैयारी किए, मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जाम दिए, काउंसलिंग करा ही नहीं पाओगे तो कॉलेज कहां से पाओगे। तो चौथा वाला भैया स्टार वाला है, 5 स्टार वाला, उसको ध्यान देना, ठीक है ना। तो चौथा वाले में अगर आपने गड़बड़ किया तो आप अगले साल भी काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। इसी प्रकार से आइए बात करते हैं अब आयुष का। तो आयुष भी थोड़ा कम थोड़ी है, जन्म कर रहे हो एमसीसी से एक एक्स्ट्रा ही चल रहा है, पैसा तो काटेगा ही, चौथे की बात हो रहा, चौथे राउंड की आयुष की बात हो रहा, पैसा तो काटेगा ही, दूसरा आपका पूरे के पूरे काउंसलिंग से इस साल पूरा बैन कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि इस मतलब उसका ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो अगले साल वाला, इस साल बैन कर देगा वो, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो सीट मिला था वो सीट भी आपको नहीं मिलेगा। तो बात समझ में आया होगा, यानी कि वो जो है मतलब आयुष वाला जो है वो आपका सीट भी ले लेगा जो आप थर्ड या सेकंड में पाए हो, चौथे में अगर ये चीज़ें कर रहे हो। तो ये पूरी की पूरी बातें थी, यानी कि एक बात तो समझ में आ गया कि फ्री एग्जिट यानी कि आपका पैसा वापस आ जाए ये तभी हो सकता है जब आप फर्स्ट राउंड में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग का मूड बना लीजिए कि हमको फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में हम नहीं जाना है, यानी सेकंड राउंड आप छेड़ो ही ना, ठीक है ना, तब तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। और आपको दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथे राउंड का एक एक पॉइंट मैं आपको बताया कि क्या नियम कानून है। अगर इसके पूरी नियम कानून और भी आप गहराई से जानना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा सुमन मैम का, आप वो वीडियो देखिए, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बेटा अगर एक बार कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको दो बार देखो, तीन बार देखो, क्योंकि बेटा क्या है काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग के दौरान अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपकी पूरी मेहनत पे एकाएक पानी फिर जाएगा, और हम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसे आप देखते होंगे कि मैं और सुमन मैं हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, कारण क्योंकि हम लोग भी इस दौर से एक बार गुजरे हैं, ठीक है ना। हमने भी और सुमन मैम ने भी कोटा में तैयारी किया, मैंने आईआईटी का तैयारी किया, उन्होंने नीट का तैयारी किया, तो हम लोग दौड़े हैं तो उस तकलीफ को समझ सकते हैं। खैर बात करते हैं कि कैसे कैसे फ्री एग्जिट करें, क्योंकि हर बच्चा चाहेगा नियम जान गया क्या होता है ये भी जान गया, तो कैसे करें उसकी प्रोसेस क्या है। तो कैसे करने की प्रोसेस आपका ये है, अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, मतलब आपने काउंसलिंग कराया आपको सीट नहीं मिला किसी भी कोर्स के लिए, MBBS, BDS, ठीक है ना, BSc नर्सिंग किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, आप या आयुष का भी जो जितने भी कोर्स आते हैं, आपको सीट नहीं मिला और आप मतलब फ्री एग्जिट करना चाहते हो, तो आप क्या करिए कि आप कुछ ना करिए, शांति से बैठ जाइए, यानी कि आपको फिर ध्यान ही नहीं देना काउंसलिंग की तरफ, आपको वो ध्यान देना जो आप आगे सोच रहे हो कोई मतलब तैयारी के बारे में या आप कोई मतलब क्या बोलते हैं BSc या कुछ भी करने के बारे में। आप बिल्कुल मतलब काउंसलिंग से बिल्कुल आप माइंड अपना हटा लीजिए, आपके अकाउंट में कुछ दिनों में कुछ महीनों में पैसा वापस आ जाएगा अगर आपको सीट नहीं मिला। तो समस्या कहाँ उठता है, जब बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया
तो वहां से समस्या होता है। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है, लेकिन फिर भी अब आप क्या बोलते हैं काउंसलिंग नहीं कराना चाहते हो, तो आपको समय रहते, इन्हें कि बहुत लेट, बहुत जल्द से जल्द आप देखोगे कि सेकंड राउंड के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक एक्सेप्ट का मिलेगा सेकंड राउंड के लिए और एक विथड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको विथड्रॉ पे क्लिक करना है, आपको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट पे क्लिक नहीं करना, विथड्रॉ पे क्लिक करना, लेकिन समय रहते। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड राउंड चल रहा है, उसका रिजल्ट आ गया, अब आपने मूड बनाया कि अब हम काउंसलिंग में क्या बोलते भाग नहीं लेंगे, तो अगर आप ऐसा करोगे तो वही नियम फिर चालू हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा जो कुछ देर पहले बताया, पैसा वापस नहीं आएगा, फलाना ढिमका ढिमका बहुत कुछ बताया था आपको, ठीक है ना। तो आप ये जान लो कि आपको इस प्रकार करना है। तो जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है नो प्रॉब्लम, शांति से बैठ जाए और जो करना है आगे के बारे में करें, यानी कि नीट के अलावा जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। और जिन बच्चों को सीट मिल गया है वो भैया फ्री एग्जिट करने के लिए विथड्रॉ पे क्लिक करें, ना कि एक्सेप्ट पे क्लिक करें। बात समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, जब मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूं तो बार बार मेरे सामने एक और भी चीज आती है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम मान लीजिए थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किए, यानी फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, सेकंड में वो काउंसलिंग कराए नहीं, सीधे वो थर्ड राउंड में हो गया और फिर वहां से फ्री एग्जिट करना चाहूं तो क्या पैसा वापस आ जाएगा? ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों का ये वो है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, उनके लिए तो वो पहला होता है काउंसलिंग, वो सोचते हैं कि हम पहली बार काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, लेकिन वो नीट के थ्रू अगर देखा जाए, काउंसलिंग के थ्रू देखा जाए तो तीसरा है ना, तो वो ये मानता है कि आप काउंसलिंग कराते हुए आ रहे हो, ऐसा वो मान के चलता है, होता नहीं लेकिन ऐसा वो मान के चलता है, तो उस स्थिति में आपका पैसा वापस नहीं आएगा। मैंने बोला कि पैसा वापस तभी आएगा जब आप पहले राउंड में ही समय रहते हुए आप बाहर निकल जाओगे। आप ऐसा ना सोचिए दूसरे में गए, तीसरे में गए, अचानक चौथे में गए, फिर आप सोचे कि यार मैं फ्री एग्जिट कर लूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा, पैसा आपका वापस नहीं जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री एग्जिट क्या है, फ्री एग्जिट क्यों मतलब क्या बोलते हैं कराना है, और फ्री एग्जिट कैसे कराना है। तो हम क्या क्यों और कैसे का उत्तर आपको दे ही दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गया होगा। कुछ बातें अगर गहराई से नहीं समझ में आएगा तो कुछ देर पहले ही मैं कहा था कि सुमन मैम का वीडियो है वो आप देख लीजिए, तो आपको और गहरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज होगा तो ही आप नहीं फंसोगे, अन्यथा आप कहीं फंस जाओगे और पश्चाताप करोगे बाद में। हाँ, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीट की पूरी प्लेलिस्ट है बच्चों, आप वहां से नीट की पूरी जानकारी ले सकते हो। आपको जो भी नीट के बारे में देखना है आप देखो, और कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप धड़ाधड़ कमेंट करो, जिसकी वजह से हमें भी पता चलता रहे कि हमको वीडियो किस पे बनाना है, क्योंकि हम लोग के अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों की मेजॉरिटी जैसा देखते हैं कि हाँ बच्चों की इतनी समस्या है, तो उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाते हैं। हम लोग वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे एक आध बार कमेंट किए उनका भी वीडियो बना दें, लेकिन बच्चों मेजॉरिटी के चाह चलना होता है, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा वीडियो बनाए जिससे मतलब बहुत लोगों का समस्या का समाधान हो पाए, तो वो ज्यादा बेटर है कहीं जो एक बच्चा किसी ने समस्या बताया। हाँ, जब हम लोग के पास टाइम रहता है तो एक बच्चे का भी बात सुनते हैं। तो आप कमेंट का सिलसिला बिल्कुल जारी रखिए। अगर आपको आयुष की काउंसलिंग चल रहा है, आप जान रहे हो, चाहे आपका BAMS हो, BUMS हो, कोई भी आयुष कोर्स हो, अगर आपको उस पे प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करो। मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास भी समय होगा वीडियो बना दिया जाएगा। इसके अलावा नीट में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं बोला कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।